कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर किसी ट्रायंगल में कोई पैरेलल है तो क्या लगेगा? BPD। थ्री लाइन पैरेलल है तो पहले प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो बाय एंगल बाइसेक्टर L। इतना बोले बताओ इन ट्रायंगल ABC क्या दिया था? ABD। ABD का मतलब कहां से शुरू होगा? BC। ये ABD क्या करता है? वो बाइसेक एंगल ABC को क्या करता है? वो ऐसा दिया है ना, उन्होंने दिया है पर बाइसेक करता है, यानी दो भी इक्वल है, उन्होंने दिया है। और क्या दिया आगे? AC क्या है बोलते ये दिया हुआ है। चलो रिजल्ट लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC और AC कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है। रीजन गिवन और क्या दिया? प्रूव दैट। हाँ चलो प्रूव दैट हम कर लेंगे, हम डायरेक्ट गिवन वगैरह नहीं लिखेंगे। गिवन टू प्रूव ऐसा लिखते ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं। फिगर निकालो, जो जो गिवन है लिख दो। इन ट्रायंगल ABC दो साइड इक्वल है दिया, और बताओ क्या दिया? बस इक्वल दिया क्या, और कुछ नहीं दिया? प्रूव करना है। गिवन की बात चले, गिवन इतना दिया है बस। वेरी गुड, एंगल बाइसेक्टर दिया है ना, फिर वो भी तो गिवन है ना। अब बताओ क्या गिवन है? ABC कौन सा रे है? BD बाइसेक्टर है ना। बताओ क्या लिखूंगे? रे ए लिखा जे तीन रे बी डी बाइसेप्स एंगल ABC। रीजन देखो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का चार्ट पढ़ाया था ना, सभी थ्योरम के चार्ट पढ़ाए, कैसे लिखते हैं और लिखने का पूरा तरीका बताया था। एंगल बाइसेक्टर तरीका क्या बताया था? तीन ट्रायंगल का नाम लिखना, रे बी डी क्या करता है बाइसेक्ट एंगल ABC। मनुष्य तो लक्ष्य रहेगा बाइसेक्ट एंगल ABC बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या लिखते हैं बताओ? ऊपर है ना AD बाय BC। और क्या लिखते हैं? नंबर टू। और कुछ की बनेगा? और क्या बनेगा? रे सी क्या करता है? तो सबका अलग अलग सवाल है। वो रे बीडी का सवाल क्या? रे सी का। बोलो क्या लिखना? रे सी बाइसेक्स एंगल ACB। रीजन बाय एंगल बाइसेक्टर। बताओ टुकड़े, बताओ टुकड़े। जो गिवन था वो सब हमने यूज कर लिया। आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन उसी का यूज करोगे ना। आपको दिया था AB और AC इक्वल है, लिख दिया। एनी ट्रायंगल में उन्होंने दिया कि दो साइड इक्वल है, ठीक है। उसके बाद दिया रे BD बाइसेक्टर है, उसका यूज किया। CE बाइसेक्टर है, उसका यूज किया। और ये तीन तीन बातें अपने पास रेडी है, 1 2 3। अब बताओ शो दैट क्या करता है, क्या प्रूव दैट है? ED किसको पैरेलल बता नहीं है, BC को। एक काम करो, तेरा फिगर निकाल दो। ED ना, ED किसको पैरेलल बता नहीं है? अरे बाप, बता नहीं है ना। बताओ पैरेलल के लिए 5 टेस्ट कौन से पड़े अभी पड़े आज? पैरेलल के 5 टेस्ट नंबर सब BPD है क्या? BPD यानी क्या होगा? ऐसा हो AE बाय EB और AD बाय BC। अगर ये इक्वल होंगे, अगर ये क्या होंगे?
फिर क्या लिखते हैं? बाय द कन्वर्स ऑफ बीटीडी ईडी ऐसे लिखते हैं। अगर इक्वल होंगे दो बार ना, ए बाई बी और एडी बाय बी सी। अगर ये रेशियो इक्वल होंगे तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ईडी और बीसी क्या होंगी? पहले लेकिन इक्वल दिए क्या आपको? ए बाई बी है क्या आपके पास? नंबर थ्री में एडी बाई डी सी और इन दोनों को क्या बताना? इक्वल। ये तो अलग अलग नंबर में, ये इक्वल कब होंगे? ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये दोनों इक्वल कब होंगे? अगर ये दोनों इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है? सर डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है? डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब न्यूमरेटर इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं सर, ये एबी और ये एसी है ना, ये इक्वल दिख रहा है क्या? है कि नहीं? दिख नहीं रहे लेकिन है। मतलब बीसी इक्वल दिख रहा है क्या? अरे वर्ड पर ध्यान देने का, दिख रहा है क्या नजरों से? इक्वल दिख रहा है क्या? कैसे दिख रहा है? एबी और सी नजरों से इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन है क्या? है। कैसे? अच्छे से देखो ना नंबर वन को। अरे नंबर वन में इक्वल दिए ना, ये नजरों से इक्वल दिख नहीं रहे लेकिन है। इक्वल है कि नहीं है? आज से बताया तुमने एबी और सी इक्वल है, वन भी दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल। किससे पता चला? और ये दोनों इक्वल है कैसे पता चला? ये नजरों से पता चला, दिख रहा है ना। और ये कैसे पता चला? वन से। तो बताओ न्यूमिरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो बताओ ये रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं? राइट हैंड साइड सेम तो कौन सी सी होगी? फ्रॉम वन टू से बता सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम, ये दोनों सेम इसके सेम है। अरे देखो ना आरजे सेम है सर, कहां सेम है? अरे अच्छे से देखो, डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है, दिख नहीं रहा लेकिन देखो ऐसे बच्चे, तो न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, पूरा रेशियो क्या हो गया? सेम। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? सेम। और अब बताओ एक ट्रायंगल एबीसी, अगर ये दो टुकड़ों के रेशियो क्या है? इक्वल आए तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की लाइन क्या होती है? तो बताओ इसमें कैसे जाना पड़ा? पैरेलल के लिए कौन सा पांच कंसेप्ट आज सुबह पढ़े हो? आज की बैच में सुबह पहले क्या पढ़े? पैरेलल बताना की पांच टेस्ट, उसमें से कौन से टेस्ट क्या हमने? लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए दो रेशियो इक्वल चाहिए थे ना, और उन्होंने दिए नहीं थे। हम कैसे पूछे वहां तक? हमें कुछ नहीं पता था, हमें इतना पता था गिवन है लिख दिया, हमें इतना पता था एंगल बाइसेक्टर हमने अप्लाई कर दिया, दूसरा एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करके रख दिया, रख दिया, हमें नहीं पता था क्या होने वाला, बस करके रख दिया। और फिर सोचना अरे पैरेलल बताना है क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी रेशियो सेम है क्या? फिर नजर दौड़ाई उनको, अरे हाँ ये दोनों है सेम है क्या? है। क्यों? राइट हैंड साइड से, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी। चलो एंगल को बाय, और उसके बाद होता है इसका मतलब क्या होता है? ए डैश डी डैश ए डी सी एक लाइन है, बराबर लाइन है। साइड डी कहां पे? साइड डी पैरेलल निकालो बोलते बीसी को, तो डी किसको पैरेलल निकालो? निकाली क्या? और ए बी का मतलब क्या? ए के बाद डी और ए के बाद बी, हो गया क्या? अब क्या करना है? ये प्रूव दैट, क्या करना है ये बताओ? आपके पास कौन सी दो इंफॉर्मेशन इस प्रॉब्लम को, दो थ्योरम लगने वाले? एक कौन सा थ्योरम? एंगल बाइसेक्टर, वेरी गुड। और एक पीपीटी, कौन सी? पहले मैं एंगल बाइसेक्टर की रफ फिगर निकालू, बताओ रे बीडी क्या है? बताओ, हो गया सबकी रफ, उसकी रफ फिगर निकालना, उसका थ्योरम लगा, बताओ दूसरी रफ फिगर किसकी बनेगी? बीपीडी ना, हाँ बोलो पैरेलल है। करो आप अपनी कॉपी में, दो मिनट में इसका आंसर निकाल के बताओ। पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रफ फिगर निकालो, वो पूरा लगाओ थ्योरम कैसे लिखते हैं आपको पता है, फिर बीपीडी कैसे वो पूरा चालू है ना, फिर बीपीडी कैसे, और फिर उसके बाद कंक्लूजन, टाइम
स्टार्ट कर रहे आप लोगों का फिगर तो निकाल ली ना। हाँ चलो अब यहाँ से शुरू। पिछले प्रॉब्लम में एक बाइसेक्टर था, लिखा उसको पूरा अप्लाई किया, फिर दूसरा भी बाइसेक्टर था, अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है ना। वैसे इस प्रॉब्लम में दो इन्फॉर्मेशन है, एक है एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया है पैरेलल, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं एंगल बाइसेक्टर सॉल्व करूँ तो मैं सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की फिगर निकालता, दूसरा कुछ नहीं निकालता, क्योंकि रेडी बाइसेक्ट करता है बीटी बस हो गया। और बताओ कैसे लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्ट्स एंगल रीजन बाय कौन बोला था है? ऐसे लिखते हैं ना, बताओ कौन इक्वल है एडी बाय डीसी और नंबर वन, दोनों टुकड़े और इधर दो साइड लिखते बराबर, जो गिवन है उसको लिखो, वहां पे एक साथ देते थे बहुत कुछ, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अलग अलग करके। जैसे तुम्हें तुम्हारे घर में एक साथ सब मटेरियल पड़ा रहता है, जैसे कि कपड़े ले लो अलमारी में सब एक साथ है एक ही अलमारी में, लेकिन मम्मी अलग कपड़े निकालेंगे धूप के पहनने के, वो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना निकालोगे, है तो एक ही अलमारी में सब कुछ, लेकिन आप जो जो है वो अलग अलग अपना निकालेगा नहीं, वही बात है। सब दिया हुआ है ये अलमारी है, इसमें सब है पैरेलल है बाइसेक्टर सब दिया हुआ है, आपको एक एक अलग अलग अपनी जरूरत के हिसाब से निकालेगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा एंगल बाइसेक्टर अलग से बराबर है और इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद में निकालूंगा कौन सा पैरेलल वाला लिखूंगा। ईडी किसको पर ये दिया हुआ है कैसे लिखते बताओ, इन ट्रायंगल बताओ चार्ट बनाया था इसका, बताओ ईडी पैरेलल पहले रीजन क्या लिखते गिवन, उसके बाद क्या लिखते बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, बताओ कौन सी इक्वल ए बाय बी इक्वल टू एडी बाय डीसी नंबर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम पड़े थे तो उसमें वैल्यू वगैरह पुट की थी हमने, इसमें कोई वैल्यू वगैरह नहीं थी। चलो अब बताओ सर अलमारी में जितने कपड़े थे सब हमने पहन लिए, मम्मी ने ये पहन लिया मैंने ये पहन लिया, क्या जाने कहने का मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन थी उस सबका क्या कर लिया यूज कर लिया, अब कुछ इन्फॉर्मेशन बची है क्या, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अब बची नहीं। प्रूव दैट इन दोनों को इक्वल बताओ, बताओ ए बी बाय बी सी तैयार हुआ है क्या, ए बाय बी तैयार हुआ है क्या, बताओ ये इसमें तैयार है और ये इसमें तैयार, हो सकता है आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड थोड़ी अलग अलग, मेरी वो उधर राइट में चला गया और इधर का आ गया लेफ्ट में आ गया, बताओ ये दोनों इक्वल है क्या, लिख सकता हूँ क्या, सब दिख तो नहीं रही इक्वल है, इसकी लेफ्ट हैंड देखो एडी बाय डीसी और इसकी राइट हैंड देखो, बताओ सेम है कि नहीं, तो बताओ अगर इसकी लेफ्ट और इसकी राइट क्या है सेम, तो ये दोनों भी क्या है सेम, तो लिखना फ्रॉम ए बी बाय बी सी और ए बाय ई बी क्या है सेम, एक बार देख लो अच्छे से, हो सकता है ये भी आ जाए पेपर में, देखा क्या देखा पहले एंगल बाइसेक्टर का फिगर, हाँ कुंदन ढंग से लिखना पड़ता है, हाँ तो मार्क मिलते हैं, एंगल का नाम बाइसेक्ट करता है गिवन, फिर थ्योरम, फिर ये टुकड़े और ये साइड, वैसे एंगल का नाम पैरेलल है गिवन बाय पीपीटी, ये टुकड़े और वो टुकड़े, फिर पता चला कि ये दोनों सेम है तो वो दोनों भी सेम हो गया, समझ रहे हैं।